गुड मॉर्निंग एवरीवन। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मैच तानी हंटर बनाम लालानी किंग्स बस कुछ ही क्षणों में। कल रात बारिश के बाद भी ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार, काफ़ी मेहनत करी ग्राउंड्समैन ने और हमारे लिए इस शानदार मैच के आयोजन में कोई बाधा ना हो ग्राउंड तैयार किया। दोनों ही कप्तान तैयार। तानी हंटर के कैप्टन टॉस उछाला है, देखना होगा। तानी हंटर ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। जी हाँ, तानी हंटर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। आज का मैच मैच नंबर तानी हंटर बनाम लालानी किंग्स, देखना होगा इस मैच का परिणाम क्या होता है। दोनों ही टीमें मैच नंबर 28, टीम तानी हंटर नाबम कामा तेची तिकली नाबम ताही तेली राधे नाबम डोयंग गोलो तो तुम नबाम जेश मनीष मिश्रा सितेश कुमार दास विशाल दुबे अभिमन्यु सानी एंड नबाम तामा। वहीं लालानी किंग्स नबाम बिट्टू कैप्टन नबाम नातुंग नबाम आबो कारा हाकप ताना तेली जामिया तेची तानिया नबाम गुनिया तेची तुमा रेबिताकम शिवम सुंदरम विवेक गोलवागा एंड चिराग। बस कुछ ही क्षणों में ये मैच आप सबके सामने लाइव प्रसारित किया जाएगा। जी हाँ, दोनों ही अंपायर तैयार। मैच नंबर 28 तानी हंटर बनाम लालानी किंग्स। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि कल बारिश के कारण आउटफील्ड काफ़ी गीली, फिर भी ग्राउंड्समैन ने जितनी मेहनत करी वो काबिले तारीफ। जितना भी
दोनों बल्लेबाज तैयार। जी हाँ, दोनों ही बल्लेबाज तैयार। नाबाम गुनिया और सुंदरम दुबे। जी हाँ, बॉलिंग मार्ग पर मनीष मिश्रा सामना करेंगे नाबाम गुनिया। काफी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, इनकी विकेट कीपिंग की जितनी भी तारीफ की जाए कम। पिछले कुछ मैचों में देखा है काफी शानदार विकेट कीपिंग करते नजर आए नाबाम गुनिया जी। वहीं मनीष मिश्रा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में काफी शानदार गेंदबाजी करी है। शानदार वेदर, टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस, क्रिकेट के लिए अनुकूल।
बारिश के कारण इस मैच को 16-16 ओवरों का किया गया है। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे मनीष मिश्रा। नाबाम गुनिया सामना करेंगे मनीष मिश्रा का। पहली बॉल काफी खूबसूरती के साथ डिफेंस किया, अंदर की तरफ आई थी बॉल। काफी आगे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहला बॉल जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें, ये मैच तानी हंटर बनाम लाला ने किंग 16-16 ओवर होगा ये मैच। इस बार दिशा से भटके, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इसी वाइड बॉल के साथ खाता खुलता हुआ टीम इस बार बाहर निकलती हुई बॉल को मारना चाहते थे। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ दो बॉलों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। एक बार फिर से दिशा से भटके, देखना होगा अंपायर का निर्णय। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इसी दो अतिरिक्त गेंद पर दो अतिरिक्त रन, रनों में इजाफा। तानी अंटर का स्कोर 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार शानदार बॉल, कवर की दिशा में खेलना का चाहते थे सुंदरम दुबे, लेकिन पूरी तरीके से चूके। एक बार फिर से दिशा से भटके, एक और अतिरिक्त रन तानी अंडर के खाते में जुड़ता हुआ। इस बार मिड डाउन की दिशा में खेला, इसी 1 रन के साथ तानी अंडर का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अतिरिक्त रनों को देखा जाए तो उसके अलावा बैट से अभी तक कुछ खास
रन नहीं आया है अभी तक। एक ओवर की समाप्ति पर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। बॉलिंग मार्क पर अब आए हैं कामा। सोलह ओवरों का ये खेल, ज्यादा से ज्यादा रन करना चाहेगी तानी हंटर की टीम। इस बार हवा में अंपायर का इशारा, 4 रन। काफी खूबसूरती के साथ खेला था ये शॉट। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। एक बार फिर उसी दिशा में खेला है, नीचे फील्डर मौजूद और ये कैच ड्रॉप करते हुए। इस तरीके की फील्डिंग की अपेक्षा नहीं कर सकते ऐसे क्रूशियल मैच में। खूबसूरत गेंद, मना किया रन से। 1.3 बॉल का खेल अभी तक होता हुआ, स्कोर बढ़ के 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर हवा में खेला है शॉट, नीचे खिलाड़ी मौजूद, देखना होगा। एक बार फिर से बैक टू बैक इस तरीके की फील्डिंग, बहुत ही साधारण फील्डिंग करते हुए टीम लाला ने किंग्स के फील्डर। इस तरीके के कैचेस पकड़ने होंगे। दो मौके बनाए थे कामा ने, लेकिन काफी शानदार साधारण फील्डिंग। एक बार फिर हवा में खेला हुआ शॉट और एक बार फिर से मौका बना था, लेकिन जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते इस बार कोई भी गलती नहीं करेंगे।
तेजी टिकली मौजूद थे। आसानी से इस कैच को लपका, पवेलियन की तरफ जाना होगा नबम गुनिया जी को। दो ओवर की समाप्ति पर 14 रन एक विकेट के नुकसान पर तानी हंटर एक बार फिर से मनीष मिश्रा सामना करेंगे सुंदरम दुबे। खूबसूरत बॉल अंदर की तरफ आई थी, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए बल्लेबाज। जी आसानी के साथ एक रन, इसी के साथ स्कोर 15 रन एक विकेट के नुकसान पर तानी। बॉलर के हाथ में खेल बैठे, कट करना चाहते थे, एक बार फिर से छकाया। मनीष मिश्रा काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। बॉल को दोनों ही तरफ स्विंग कराने में सफल। नातुन तीन बॉलों का सामना किया एक रन, वहीं सुंदरम नौ गेंदों के सामना करने के बाद 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। सोलह रन जी अंपायर ने
इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी 2024 का यह 28वां मैच जिसमें तानी हंटर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। नाबम कामा एक बार फिर से फिश फार्म एंड से सामना करेंगे संद्रम। या स्क्वायर क्रिएट किया था आसानी के साथ, 2 रन पूरा किया, हल्की सी मिसफील्ड देखने को मिली। बारिश के कारण ग्राउंड में कुछ नमी। इस बार कवर्स के ऊपर से खेला है 4 रनों के लिए बल्लेबाज नातुंग ने। इस बार दिशा से बट के अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इसी के साथ स्कोर 3.3 बॉल के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। इस बार खूबसूरत शॉट, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या खूबसूरत बैटिंग का नजारा दिखाते हुए नातुंग। इसी के साथ स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे तानी। एक बार फिर से हवा में बॉल, देखना होगा फील्डर नीचे मौजूद और ये आसानी से इस कैच को लपक लिया है सितेश ने। काफी ऊंचा खेला था ये शॉट। लेकिन उससे भी खूबसूरत कैच
जितेश मौजूद थे और वो कोई गलती नहीं करते। चार ओवरों की समाप्ति पर 33 रन दो विकेट के नुकसान पर टिकली आए हैं गेंदबाजी के लिए। अभी तक तानी हंटर का स्कोर काफी शानदार, चार ओवरों की समाप्ति पर 33 रन दो विकेट के नुकसान पर तानी हंटर थी। बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए टिकली अपने अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए इस बार थर्ड मैन की तरफ ढकेला, एक रन लेने में सफल। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन दो विकेट के नुकसान पर। अभी भी काफी सदी हुई गेंदबाजी करते हुए टिकली हाथ खोलने का अभी तक मौका नहीं दिया है इस ओवर में। फील्डर मौजूद, मना किया अपने साथी बल्लेबाज को इसी एक डॉट के साथ। ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पर 35 रन दो विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। जी हां, 16-16 ओवरों का ये खेल। गेंदबाजी में तब्दीली, डोयांग आए हैं।
दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अब सामना करेंगे सुंदरम। कारा हाकम क्लीन बोल्ड कर दिया है कारा हाकम को डोयांग ने। लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन चूके, शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। अड़तीस रनों पर तीन विकेट गंवा चुकी है टीम। बिट्टू आए हैं, सामना करेंगे डोयांग का। काफी शानदार गेंदबाजी अभी तक। रक्षात्मक ढंग से खेला बिट्टू ने इस बॉल को। इसी के साथ 5.5 बॉल का खेल संपन्न होता हुआ स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की आखिरी बॉल, सामना करेंगे बिट्टू। एक बार फिर से दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस अतिरिक्त अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में इजाफा 40 रन। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। पुंगमी पुंगटे रिजॉर्ट अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठाएं। दिए हुए नंबर और ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। टिकली एक बार फिर, काफी शानदार ओवर गुजरा था इनका पिछला। एक ओवर में मात्र 2 रन खर्चे थे।
दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, इसी एक अतिरिक्त रन के साथ रनों में इजाफा, स्कोर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी कप्तान बिट्टू को। वहीं टिकली की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं अभी तक, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया है। छः दशमलव चार गेंदों का खेल अभी तक पूरा होता हुआ, स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तानी हंटर सुंदरम 19 बॉलों पर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं बिट्टू 5 बॉलों पर 2 रन। निश्चित ही फील्डिंग करने में कुछ कठिनाइयाँ प्लेयरों को फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि रात में जो बारिश हुई थी उसके कारण ग्राउंड गीला। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तानी हंटर 9 ओवरों का खेल शेष, देखना होगा कितना रन अर्जित कर पाती है टीम तानी हंटर अपने लिए। एम्पायर का इशारा लेग बाय, सुंदरम सामना करेंगे डोयांग का। खूबसूरत बॉल, इस बार हवा में गेंद, लेकिन कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। शानदार गेंदबाजी करते हुए डोयांग, पूरी तरीके से
लगाम लगा के रखिए बल्लेबाजों पर। और इसी एक रन के साथ तानी हंटर का स्कोर 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति। केराली वेलम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। इस बार खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। आठ दशमलव तीन बॉल का खेल 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर बिट्टू और सुंदरम। इस बार दिशाहीन गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जी हाँ तानी हंटर क्या इस मैच को जीत पाएगी अपना ओपिनियन प्रूव पे दें। टिकली एक बार फिर काफी खूबसूरत गेंद। इस बार कट करना चाहते थे लेकिन फील्डर तैनात। 8.5 बॉलों का खेल समाप्त। ओवर की आखिरी बॉल सामना करेंगे बिट्टू। निकल के मारना चाहते थे लेकिन पूरे तरीके से चूके। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। दो यंग एक बार फिर से
आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। 9.3 बॉलों का खेल अभी तक पूरा होता हुआ स्कोर 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तानी हंटर सुंदरम काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 28 बॉलों पर 26 रन बनाकर। वहीं बिट्टू 13 बॉलों पर 5 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद। कैचेट की मांग थी लेकिन रिप्ले में देखना होगा। दसवें ओवर की आखिरी बॉल, सामना करेंगे बिट्टू। कोई भी फील्डर तैनात नहीं पीछे जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 10 ओवर की समाप्ति पर। अल्फाबेट ग्रुप ऑफ स्कूल एडमिशन ओपन। दस ओवर की समाप्ति पर 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। टाइम आउट चलता हुआ।
हॉर्नबिल टी20 ट्रॉफी 2024 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैच नंबर 28 तानी हंटर बनाम ललाने किंग। बॉलिंग मार्क पर अब सितेश, सामना करेंगे सुंदरम। खूबसूरत गेंद, डॉट बॉल के साथ शुरुआत करी है। देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। पांच दशमलव चार ओवरों का खेल शेष। और ये खराब फील्डिंग, मनीष मिश्रा मौजूद थे वहां पर। पीछे फील्डर तैनात, ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर 70 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार दिशाहीन गेंद, डोयांग अभी तक काफ़ी खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे थे। 3 ओवर में मात्र 15 रन दिए थे, एक विकेट चटकाई थी अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके। मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सुंदरम को। 12वां ओवर का खेल चलता हुआ। एक बार फिर से दिशाहीन गेंद, इसी एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन। एक बार फिर से एक और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 74 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी तक 3 अतिरिक्त गेंदें।
लंबा हिट लगाना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से चूके हैं। इस बार हवा में खेला है शॉट, देखना होगा, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। एक रन, और इसी एक रन के साथ स्कोर 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम तानी। हवा में खेला है शॉट, देखना होगा, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए सुंदरम। सितेश एक बार फिर सामना करेंगे बिट्टू। बारह ओवर की समाप्ति पर 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। 13वें ओवर की शुरुआत, बॉल बॉल बचे, क्या खूबसूरत गेंदबाजी का नजारा, ब्लॉक किया बल्लेबाज को हिट खेलने से। इस बार फिर हवा में गेंद, और ये 6 रन। इसी के साथ स्कोर 45 रन पे पहुंचे सुंदरम। अभी तक कुछ खास मौका नहीं मिला था इनको बल्लेबाजी करने का, आज उसका भरपूर लाभ उठाते हुए। बारह दशमलव पांच बॉल का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 90 रन 3 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। खूबसूरत गेंद, पूरी तरीके से छकाया सुंदरम को सितेश ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति पर 90 रन 3 विकेट के नुकसान पे। काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। कप्तान बिट्टू अभी तक क्रीज पे मौजूद, 20 बॉलों का सामना किया है। गोलो आए हैं, इस बार बिट्टू ने हाथ खोला लेकिन पीछे फील्डर तैनात।
मात्र एक रन से संतोष होना पड़ेगा। और इसी के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर 91 रन 3 विकेट के नुकसान पे। गोलो सामना करेंगे सुंदरम। इस बार बिल्कुल दिशाहीन गेंद, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते दौड़ के एक रन भी पूरा किया। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। तेरह दशमलव 3 बॉल, स्कोर 94/3 तानी हंटर। एक बार फिर से दिशाहीन गेंद, इसी के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौदह ओवर की समाप्ति पर 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। मात्र 2 ओवर का खेल और शेष, देखना होगा 2 ओवर में कितने रन बटोर पाती है तानी हंटर। मनीष, जिन्होंने अभी तक सफल गेंदबाजी करी है, 2 ओवर में मात्र 10 रन खर्चे थे, कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन एक बार फिर से तैयार। और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है स्लोअर गेंद पे
महारत हासिल है इनको, स्लोअर और कटर पर निर्भर रहते हैं, उसका पूरा लाभ उठाते हुए पूरी तरीके से छकाया, स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया था और आसानी के साथ ये विकेट प्राप्त किया। चौदह दशमलव एक बॉल का खेल पूरा होता हुआ, स्कोर 97 रन। सामना करेंगे तानिया, एक बार फिर से पूरी तरीके से बीट किया, सुंदरम 43 गेंदों का सामना किया, 45 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे मौजूद। इस पर दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइट बॉल, इसी वाइट के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 98 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। तानिया सामना कर रहे हैं मनीष का, स्कोर लिख की दिशा में खेल के एक रन आसानी के साथ प्राप्त करेंगे। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। सुंदरम आए हैं स्ट्राइक पे, देखते हैं, मात्र 9 गेंदों का खेल शेष। ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। इस बार सामने की तरफ खेला है, जब तक गेंद को जी नहीं मना किया, सिर्फ 1 रन के साथ तानी अंडर का स्कोर 100 रन पूरा होता हुआ, 14.4 बॉल का खेल पूरा। सामना करेंगे तानिया, इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, देखना होगा, कोई भी फील्डर तैनात नहीं और आसानी के साथ 1 रन। बड़ी हिट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद नो मैन लैंड में गिरी। ओवर की आखिरी बॉल, सामना करेंगे सुंदरम, लास्ट बॉल पे प्राप्त किया, इसी 2 रन के साथ स्कोर में तब्दीली, स्कोर 103 रन, 4 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। आखिरी ओवर प्रगति पे, अब 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं,
इनिंग का आखिरी ओवर सितेश पूरी तरीके से चुके, बल्लेबाज तानिया पांच बॉलों का खेल शेष, और ये एक और कैच, काफी खूबसूरत कैच लपका है। मारना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, खूबसूरत कैच पकड़ा है। शानदार डाइव लगा के इस कैच को लपका, जोमिया आए थे आसानी के साथ एक रन प्राप्त किया। मात्र तीन बॉलों का खेल अब शेष, सुंदरम सामना करेंगे सितेश का। स्कोर 104 रन 5 विकेट के नुकसान पे, देखना होगा इस बार दिशाहीन गेंद पीछे फील्डर मौजूद, इसे अतिरिक्त रनों के साथ रनों में इजाफा 106 रन सामना करेंगे जोमिया। इस बार बड़ा के हिट लगाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं थे, और डॉट बॉल, मात्र दो बॉलों का खेल शेष है। इस बार दिशाहीन गेंद और इसी अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में इजाफा 107 रन। इस बार हवा में गेंद, फील्डर मौजूद थे और आसानी के साथ इस कैच को पकड़ लिया है, और छठे विकेट का पतन, तानी हंटर 107 रन। ओवर की आखिरी बॉल सामना करेंगे गोलो, और ये आसानी के साथ एक और विकेट प्राप्त किया। इसी के साथ 107 रन पे 7 विकेट 16 ओवरों में, काफी आगे निकल गए थे और आसानी के साथ सोलह ओवर की समाप्ति पर 107 रन 7 विकेट के नुकसान पर तानी हंटर। इस मैच को जीतने के लिए लालाने को अब 108 रन बनाने होंगे। देखना होगा कि किस तरीके से रन चेस करती है टीम
लाल आने किंग 16-16 ओवरों का ये मुकाबला। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल, क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड। जी हाँ, दोनों ही बल्लेबाज इस बार हवा में। इस बार खूबसूरत शॉट, एक बार फिर से हवा में बॉल, देखना होगा फील्डर नीचे मौजूद, और ये आसानी से इस कैच को लपक ली। इस बार खूबसूरत, कोई भी फील्डर तैनात नहीं पीछे। और ये खराब हवा में खेला है शॉट, देखना होगा गेंद सीमा। इस बार फिर हवा में गेंद यार, और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है। और ये इस बार हवा में गेंद, फील्डर मौजूद थे और सामना करेंगे गोलो, और ये आसानी के साथ।
जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हॉर्नबिल टी20 ट्रॉफी 2024 में। तानी हंटर बनाम लला ने किंग। तानी हंटर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवरों में 107 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाया था, जिसका पीछा करने उतरी है लला ने किंग्स। देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। बॉलिंग मार्क पर सुंदरम, वहीं स्ट्राइक ले रहे हैं विशाल, दोनों स्ट्राइक पर कामा। देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाजी में तो काफी शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया था। बल्लेबाज तैयार, सुंदरम फिश फार्मेंट से गेंदबाजी के लिए तैयार। पहला बॉल आसानी के साथ लीव कर दिया विशाल ने, जानते हैं कि विकेट पर रहना कितना जरूरी। सोलह ओवरों में 108 रन बनाने हैं। इस बार आसानी के साथ पॉइंट की दिशा में खेला लेकिन रन से मना किया। जी हाँ, अगर आप अपने टूर्नामेंट को लाइव कराना चाहते हैं तो कनेक्ट करें www.pavilionplay.com पे। बॉलर एक बार फिर सामना करेंगे विशाल, इस बार फिर पॉइंट की दिशा में खेला था लेकिन फील्डर तैनात। तीन बॉलों का खेल पूरा होता हुआ बॉलर एक बार फिर से चले और इस बार देखना होगा, काफी तेज अपील थी, अंपायर ने नकारा। चार बॉलों का खेल पूरा होता हुआ अभी तक खाता नहीं खोला है टीम लाल ने।
इसी के साथ पांचवी बॉल और इस बार खराब फील्डिंग, आसानी के साथ बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। पांच बॉलों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर चार रन। ओवर की आखिरी बॉल, सामना करेंगे विशाल, आसानी के साथ खेला। आसानी के साथ एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ स्कोर पांच रन एक ओवर की समाप्ति पर लालानी किंग। जी आपने टूर्नामेंट को लाइव कराने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पे या फिर विजिट करें www.pavilionplay.com पे। बिट्टू आए हैं दूसरा ओवर लेके, पहले ओवर की समाप्ति पर पांच रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। नब्बे बॉलों पर 103 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। देखना होगा गेंदबाज पिट्टू किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। फील्डर तैनात कवर की दिशा में खेला था, दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि विकेट पर रुकना कितना जरूरी। बॉलर एक बार फिर से इस बार आगे बढ़ के चलाना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से चूके। काफी चतुराई भरी गेंदबाजी करते हैं बिट्टू, गति में मिश्रण करते हैं। वहीं विशाल आठ बॉलों का सामना किया है, पांच रन बनाकर क्रीज पे खेल रहे हैं। वहीं कामा ने अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर बैकफुट पे जाके खेला था। फील्डर तैनात काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए बिट्टू। अभी तक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। 1.4 बॉलों का खेल पूरा हो चुका है अब तक। एक बार फिर से फील्डर तैनात, पांच रन 1.5 बॉल का खेल पूरा होता हुआ।
इस बार पूरी तरीके से छकाया है बल्लेबाज को। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, मैडन ओवर, और इसी के साथ दो ओवर की समाप्ति पर 5 रन। पारी का तीसरा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं संद्रम एक बार फिर से। सामना करेंगे कामा। दो ओवरों की समाप्ति पर 5 रन। लाल को इस मैच को जीतने के लिए 84 बॉलों पर 103 रन बनाने हैं। इस बार दिशा से भटके वाइड बॉल। कामा सामना कर रहे हैं। एक बार फिर से फील्डर पीछे मौजूद थे, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर 7 रन। विशाल सामना करेंगे सुंदरम का। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से अंदर आई थी गेंद। दो दशमलव दो बॉलों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 7 रन। बॉलर चले और इस बार पूरी तरीके से दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। 2.2 बॉलों का खेल। रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा 7.3 रन प्रति ओवर बनाने होंगे अभी। 13 बॉलों का सामना किया विशाल ने, मात्र 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बार कवर्स के ऊपर से खेला है 4 रनों के लिए। पीछे हटे थे और पीछे हटके अपने लिए रूम बनाया और आसानी के साथ बॉल को पवेलियन की तरफ पहुंचाया है। इसी 4 रन के साथ स्कोर में इजाफा। 2.3 बॉलों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 12 रन। एक बार फिर से विशाल तैयार, सामना करेंगे सुंदरम का। इस बार देखना होगा। जी हाँ, बॉल आसानी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
इस बार हाथ खोला है बल्लेबाज विशाल ने। दो बॉलों पर लगातार दो चौके अर्जित किए हैं और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। जी हाँ, कुछ इस प्रकार की ही बल्लेबाजी करनी होगी टीम लालानी किंग को अगर इस मैच को जीतना है तो। बल्लेबाज विशाल एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे सुंदरम का और इस बार कोई भी मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। क्या खूबसूरत बैटिंग करते हैं विशाल। अभी तक 16 गेंदों का सामना किया है, 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ओवर की आखिरी बॉल, एक बार फिर उसी दिशा में ढकेला था लेकिन फील्डर तैनात और आसानी के साथ 1 रन लेके ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर लाला ने। अभी 78 बॉलों पर 87 रनों की ज़रूरत है। बिट्टू आए हैं एक बार फिर से, पिछला ओवर मेडन डाला था, क्या शानदार गेंदबाजी की थी। और इस बार देखना होगा करीबी मामला हो सकता था। टू एक बार फिर से, विशाल ने आसानी के साथ पॉइंट की दिशा में खेलकर 1 रन अर्जित किए और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। फील्ड में थोड़ी तब्दीली करते हुए इस बार शानदार, जब तक बॉल को फील्ड किया जाता आसानी के साथ 2 रन भाग के पूरा किया। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। इस बार उठा के खेला है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जी हाँ, कवर पॉइंट के फील्डर ऊपर जिसका पूरा लाभ उठाया बल्लेबाज विशाल ने।
एक बार फिर से थर्ड मैन की दिशा में खेला और चार रन एक और जीत किए। इसी चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। काफी तेज गति से रन बटोर रहे हैं बल्लेबाज विशाल। 22 बॉल पे 28 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद। एक बार फिर हवा में खेला हुआ शॉट देखना होगा, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। आसानी के साथ एक रन पूरा करते हुए और इसी एक रन के साथ स्कोर चार ओवर की समाप्ति पर 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर लाला ने। शानदार बैटिंग करते हुए विशाल। या बॉलिंग में तब्दीली, गुल आए हैं। अपने कोटे का पहला ओवर लेके बारह ओवर होगा खेल शेष। अभी भी लालाने को 76 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। कलाई के सहारे आसानी के साथ फ्लिक कर दिया था। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता आसानी के साथ भागकर एक रन लेते हुए बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। क्या खूबसूरत वेदर। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला था और भाग की आसानी से एक रन पूरा करेंगे। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस बार फिर हवा में बॉल, आसानी के साथ ये कैच लपका है। पवेलियन जाना होगा विशाल को। क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 24 बॉल पर मात 30 रन बटोर चुके थे। बड़ा हिट खेलना चाहते थे इस बार। फायदा नहीं उठा पाए। इसी के साथ पहले विकेट का पतन। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं जर्सी नंबर 7 टेची टिकली। सामना करेंगे गोलों का। शानदार ड्राइव, आते ही खाता खोला और इसी एक रन के साथ
स्कोर 35 रन एक विकेट के नुकसान पे। पांच ओवर का खेल प्रगति पे। कामत है यार, सामना करेंगे गोलों का। और ये आसानी से गेंद सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। और इसी चार रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन एक विकेट के नुकसान पे। जी अगर इस मैच में बने रहना है तो मौके बनाने होंगे। शानदार गेंदबाजी करते हुए गोलो। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन पांच ओवर की समाप्ति पर। जी हाँ, मौका बनाया था। पांच ओवर की समाप्ति पर 40 रन एक विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे टू एक बार फिर से सामना करेंगे कामा। कट किया है एक रन के लिए थर्ड मैन की दिशा में। और एक रन आसानी के साथ प्राप्त करेंगे। और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन एक विकेट के नुकसान पर। टिकली सामना करेंगे बिट्टू का। अभी भी 67 रनों की नीड है 65 बॉलों पर। जोरदार अपील लेकिन अंपायर संतुष्ट नहीं। बहुत ही खूबसूरत बॉल, बॉल बॉल बच्चे। और इस बार आसानी से, क्या शानदार मौका बनाया था लेकिन ऐसे मौके लपकने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। बिट्टू एक बार फिर से चले, इस बार फील्डर तैनात। 5.4 बॉलों का खेल संपन्न होता हुआ। शानदार गेंदबाजी करते हुए बिट्टू, कैप्टन है टीम के, अच्छे से जानते हैं
इस बार पॉइंट की दिशा में ढकेल कर आसानी के साथ एक रन पूरा किया, काम आने और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन एक विकेट के नुकसान पे। ओवर के आखिरी बॉल सामना करेंगे टिकली, पीछे फील्डर तैनात आसानी के साथ एक रन पूरा किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 44 रन 6 ओवर के समाप्ति पे। जी अपनी छुट्टियों का आनंद लें पुंगमी पुंगटी रिजॉर्ट। एक बार फिर से गोलो और इस बार हवा में खेला है शॉट, देखना होगा और ये आसानी के साथ, जी हाँ चेक करना होगा क्या ये कैच हुआ है कि नहीं। जी हाँ काफ़ी करीबी मामला और जी हाँ आउट करार दिया गया। बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन लपके गए। क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए गोलो पहले ओवर में एक सफलता दिलाई थी, वहीं आते ही दूसरे ओवर में भी पहली बॉल पर बड़ी सफलता। अभिमन्यु आए हैं इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। ललाने का स्कोर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार कोई भी गलती नहीं करी। अभिमन्यु बड़ी बड़ी हिट के लिए जाने जाते हैं, देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं आज। फील्डर मौजूद, छह दशमलव तीन बॉल का खेल संपन्न होता हुआ है। आगे निकल के खेला है और ये अंपायर का इशारा 4 रन। आगे निकल के फील्डर के हाथ में थी बॉल, ये कैच ड्रॉप हुआ।
करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। 16 ओवरों में 108 रन का टारगेट। जी हाँ, हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी का ये शानदार मुकाबला चलता हुआ। लालानी किंग वर्सेस तानी हंटर। गोलो शानदार गेंदबाजी करते हुए। एक बार फिर इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेल के 4 रन और अर्जित किए। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभिमन्यु शानदार बल्लेबाजी करते हुए गोलो एक बार फिर से तैयार। सामना करेंगे अभिमन्यु 7 ओवर की आखिरी बॉल। इस बार फिर हवा में बॉल, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं। इसके 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टीम लालानी किंग गेंदबाजी में तब्दीली आए हैं। ताना तंगम अपना पहला ओवर लेके सामना करेंगे अभिमन्यु। चौवन बॉलों पर 54 रनों का बॉलर ताना तंगम तैयार। सामना करेंगे अभिमन्यु। और सामने की तरफ खेला था तो रन की मांग है, लेकिन फील्डर तैनात। पचपन रन आसानी के साथ खेल के 1 रन। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। दो विकेट के नुकसान पे टीम लालानी किंग। ओ शानदार गेंदबाज। ताना तंगम कोई भी जगह नहीं देना चाहते बड़ी शॉट खेलने के लिए। एक रन के साथ संतुष्ट। एक बार फिर मिड विकेट की दिशा में खेला था फील्डर तैनात। अभी तक काफी सदी गेंदबाजी करते हुए ताना तंगम। सात दशमलव 4 बॉलों का खेल संपन्न। 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर लालानी किंग। वही बल्लेबाज अभिमन्यु तैयार। सामना करेंगे ताना तंगम का। इस बार फिर से हवा में बॉल, फील्डर पीछे तैनात।
और क्या आखिरी बॉल सामना करेंगे कामा। खूबसूरत बॉल और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम लालाने किंग 108, 108 रनों का लक्ष्य। सोलह सोलह ओवरों का यह मैच। आठ ओवरों की समाप्ति पर 59 रन। सुंदरम एक बार फिर से करंट रन रेट 7.4, कोई शानदार बल्लेबाजी कर रही है टीम लालाने किंग। सुंदरम जिन्होंने शुरू के 2 ओवर में 21 रन खर्चे थे, काफी महंगे साबित हुए थे, कप्तान ने एक बार फिर से भरोसा जताया इन पे। बल्लेबाजी में सामना करेंगे अभिमन्यु, 8 बॉलों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं और इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं। कवर्स की दिशा में शानदार शॉट खेल के 4 रन अर्जित किए और इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मात्र 45 रनों की जरूरत अब लालाने किंग को यह मैच जीतने के लिए। इस बार हवा में बॉल, देखना होगा और 4 रन। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर लालाने किंग, देखना होगा। जी हाँ, बैक टू बैक 2 बॉलों पर 2 चौके अर्जित किए हैं। अभिमन्यु 10 बॉलों पर 20 रन बनाकर खेल रहे हैं, अभी भी क्रीज पे मौजूद। अब 46 बॉलों पर मात्र 41 रनों की जरूरत। इस बार फील्डर मौजूद लेकिन आसानी के साथ 1 रन पूरा करेंगे, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। रन लेने से नहीं रोक पा रहे हैं, अब तक 4 बॉलों पर 10 रन अर्जित कर चुके हैं बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। करंट रन रेट अभी भी 8 रन प्रति ओवर का, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 5.3। आसानी के साथ इस मैच को अपनी पकड़ में करते हुए बल्लेबाज। एक बार फिर कट किया है, पीछे फील्डर तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर आसानी के साथ 2 रन भाग के पूरा किया। और क्या आखिरी बॉल सामना करेंगे अभिमन्यु, शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभी फिलहाल। एक बार फिर सामने की तरफ खेला है, पीछे फील्डर तैनात,
लेकिन किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं और आसानी के साथ चार रन। इसी चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन दो विकेट के नुकसान पे टीम लालाने किंग 9 ओवर की समाप्ति पर 75 रन। 7 ओवरों का खेल शेष। ताना तंगम एक बार फिर से तैयार। पहले ओवर में अपने मात्र 5 रन खर्चे थे अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके। क्या जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज कामा ने। अब मात्र 41 बॉलों पर 32 रनों की जरूरत। इस बार दिशाहीन गेंद इसे एक अतिरिक्त रनों के साथ रनों में इजाफा बढ़ता हुआ 77 रन तो विकेट के नुकसान पे। इस मैच में बने रहने के लिए विकेट लेना होगा। अच्छी वापसी करते हुए गेंद पास ताना तंगम। नौ दशमलव दो बॉलों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 77 रन दो विकेट के नुकसान पे। कामा बैटिंग कर रहे हैं 12 बॉलों पर 13 रन बनाकर। वहीं अभिमन्यु 14 बॉलों पर 27 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद। ऐसी एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। सामना करेंगे कामा। इस बार हवा में शॉट कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। आसानी के साथ एक रन पूरा करा। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन। और इस बार आसानी के साथ खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन दो विकेट के नुकसान पे। अभिमन्यु शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं मात्र 16 बॉलों पर 32 रन बनाकर इस मैच को डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पर 83 रन दो विकेट के नुकसान पर टीम लालाने किंग।
गेंदबाजी में तब्दीली, विवेक आए हैं। फिश फार्मिंग एंड से वहीं सामना करेंगे कामा। छत्तीस बॉलों पर 25 रनों की जरूरत, आसानी के साथ ये मुकाबला। लालानी के हाथ में ये मैच 10.1 बॉल का खेल पूरा होता हुआ, स्कोर 84 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बल्लेबाजी पे सामना करेंगे अभिमन्यु। और ये नो बॉल का इशारा अंपायर का। फ्री हिट, सामना करेंगे अभिमन्यु। बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन चूके। अभी तक शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अभिमन्यु मात्र 19 बॉल पर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं उनका साथ दे रहे हैं कामा, 14 बॉलों पर 15 रन बनाकर क्रीज पे अभी भी डटे हुए हैं। और ये खराब फील्डिंग का नजारा। उसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभिमन्यु एक बार फिर से तैयार। जाने दिया, जानते हैं कि अब मैच में कुछ खास बचा नहीं है, महज औपचारिकता है बाकी। 8 विकेट हाथ में। क्या रहा और प्रगति पे। तो भाई यॉर्कर लेंथ की गेंद फ्लिक करना चाहते थे लेकिन कोई भी मौका नहीं। 10.5 बॉलों का खेल पूरा होता हुआ, स्कोर 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर के आखिरी बॉल सामना करेंगे अभिमन्यु। विवेक जी आसानी के साथ खेल के एक रन मुकम्मल किया और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम लालानी किंग। 11 ओवर का खेल पूरा होता हुआ, अभी मात्र 5 ओवर का खेल समाप्त, माफ कीजिएगा 5 ओवर का खेल बचा हुआ। 5 ओवर में 20 रन बनाने होंगे। बॉलिंग में आए हैं नातुंग। तीस बॉलों पर 20 रन बनाने की जरूरत टीम लालानी किंग को। बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे नातुंग का।
खूबसूरत बॉल, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को हाथ खोलने का। शानदार मुकाबला चलता हुआ, बॉलर एक बार फिर से तैयार और इस बार देखना होगा। गति में मिश्रण किया था, पूरी तरीके से छकाया, नॉट आउट करा दिए गए। ना तो काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज अभिमन्यु तैयार, एक बार फिर से सामना करेंगे नातों का। और इस बार चहलकदमी करना चाहते थे लेकिन सदी हुई गेंदबाजी, अभिमन्यु जानते हैं कि विकेट पर रुकना कितना अहम। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार हवा में गेंद और आसानी के साथ लपक लिया है फील्डर ने, बड़ा विकेट, बड़ी सफलता अपने नाम करते हुए नातुंग, वही शानदार कैच। इसी के साथ 88 रन पे तीसरा विकेट गिरता हुआ, छोटी बॉल थी घुमा दिया था इस पार लेके तरफ, लेकिन फील्डर पीछे तैनात, आसानी के साथ ये कैच पकड़ा। जी हाँ, बॉलर में खुशी, सितेश आए हैं सामना करेंगे नातुंग का। ग्यारह दशमलव चार बॉल का खेल पूरा होता हुआ पांचवी बॉल का सामना करेंगे सितेश, और ये पहला बॉल आसानी के साथ खेला। और इसी के साथ मेडन ओवर, शानदार गेंद नातुंग द्वारा, अट्ठासी रन तीन विकेट के नुकसान पे 12 ओवर की समाप्ति, चार ओवर में अभी भी 20 रन बनाने बाकी, अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके सुंदरम। कामा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, बॉलर तैयार, तीन ओवर में 37 रन खर्चे हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके। इस बार हवा में बॉल और ये गैप में, आसानी के साथ 2 रन पूरा किया। इस बॉलों पर 18 रन,
अभी भी बनाने बाकी। देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं कामा। स्कोर हाँ ना की स्थिति थी, लेकिन आसानी के साथ दौड़कर एक रन पूरा किया। इसके साथ 22 बॉलों पर 17 रनों की जरूरत। स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन 3 विकेट के नुकसान पे लाला ने किंग। सितेश सामना करेंगे सुंदरम का। डॉट बॉल के साथ 12.3 बॉल का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर लालानी किंग। अभी भी लालानी को जीतने के लिए 21 बॉलों पर 16 रन बनाने होंगे। फिर से डिफेंस सितेश सामना कर रहे हैं सुंदरम का। आसानी के साथ एक रन दौड़ के पूरा किया और ये खराब थ्रो। ऐसे मुकाबले में एक एक रन काफी कीमती होता है और आखिरी बॉल इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 13 ओवर की समाप्ति पर 94 रन 3 विकेट के नुकसान पे टीम लाला ने किंग। कैराली वेल्लम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। एक बार फिर से ना तो गए हैं, एक ओवर में कोई भी रन नहीं खर्चा था। मैडन ओवर विकेट के साथ खत्म किया था। देखना होगा इस ओवर में क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। बल्लेबाज कामत इसी एक रन के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन। सामना करेंगे सितेश। कोई फील्डर तैनात नहीं, आसानी के साथ एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 96 रन। इस बार एक रन, इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब मात्र 11 रनों की जरूरत। सीधे सामना करेंगे .4 बॉलों का खेल पूरा होता हुआ स्कोर 97 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तुम तैयार
नाथुंग ने शानदार गेंदबाजी करी है अभी तक। और क्या आखिरी बॉल, और मना किया कामा ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति पर 97 रन 3 विकेट के नुकसान पे टीम लाला ने किंग। दो ओवरों का खेल शेष, जी हाँ बिट्टू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 12 बॉलों पर 11 रन की जरूरत। बिट्टू ने भी शानदार गेंदबाजी करी है अभी तक। 3 ओवरों में मात्र 15 रन ही खर्चे थे। वहीं नवाब कामा 23 बॉलों पर 21 रन बनाकर अभी भी क्रीज पे मौजूद। कामा तैयार, इस बार हवा में बॉल, देखना होगा, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। आसानी के साथ 4 रन अर्जित किए। क्या बॉलों पर मात्र 7 रनों की जरूरत। अब तैयार, एक बार फिर कामा ने खेल दिया है। कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। आसानी के साथ 1 रन, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 102 रन। सीते सामना करेंगे बिट्टू का। नौ बॉलों पर 6 रनों की जरूरत। यॉर्कर लेंथ की बॉल, मात्र डिफेंस करने पर मजबूर किया पिट्टू ने। आठ बॉलों पर अब 6 रनों की जरूरत। पांचवी बॉल सामना करेंगे सितेश, और इस बार बाहर निकलती हुई बॉल, मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई भी संपर्क नहीं। और क्या आखिरी बॉल, सामना करेंगे सितेश, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अभी भी 6 बॉलों पर 6 रनों की आवश्यकता।
अब हम कमा भी क्रीज पे मौजूद। देखना होगा आखिरी ओवर कौन डालता है। नातुंग को बुलाया है। जी हाँ, मात्र 2 ओवर में 3 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम किया। शानदार गेंदबाजी करी है इस मैच में। पहले बॉल का सामना करेंगे कामा, निकल के खेला है, मना किया। पांच गेंदों पर 6 रन की जरूरत। शानदार गेंद, पूरी तरीके से बीट कराया नातुंग ने। 4 बॉलों पर 6 रनों की आवश्यकता। लाला ने किया 102 पर 3 विकेट। देखना होगा इस बार फिर से खेला है बिट्टू ने, और ये खराब फील्डिंग का नजारा। और आसानी के साथ 4 रन अर्जित किए। जी हाँ, साधारण फील्डिंग दिखती हुई। तीन बॉलों पर मात्र 2 रनों की आवश्यकता। अब नातुंग तैयार, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस बार छक्के के साथ खत्म किया इस मैच को नाबम कामा ने। शानदार बल्लेबाजी, और इसी के साथ इस मैच को ललानी किंग ने आसानी के साथ जीता। हॉर्नबिल T20 ट्रॉफी 2024 तानिया अंडर बनाम लाला निकिंग का यह मैच। लाला निकिंग ने आसानी के साथ जीत लिया है। धन्यवाद। हमारे देश में लोग सवाल बहुत करते हैं, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सवाल ही सवाल। क्योंकि पूछोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। तो आप भी बढ़िए, सवाल कीजिए प्रोवो पे कीजिए, क्योंकि देश का हर जवाब है प्रोवो पर। तो आप भी कीजिए डाउनलोड।
मैन ऑफ द मैच आइए। नमस्कार और आज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सुबह 27 मैच 27 लाल आने वर्सेस ताने हंटर टॉस वन बाय ताने हंटर्स इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। ताने हंटर स्कोर 107 विकेट इन 16 ओवर। लाल आने चेस्ट 15.5 ओवर्स विकेट डाउन 3 विकेट्स एंड लाल आने किंग्स 1/7 wicket. To the man of the match goes to Narayan Khanna. Over to runs considered run 23 wicket to with economic 11.5. Thank you. आज यहीं पर बस प्रेजेंटेशन करा।